ओ देखो सेक्सी जीटी, यहाँ पे जीटी है क्या? देखो यहाँ एक जीटी, वहाँ एक पोर्श 911। क्रेजी क्रेजी भाई क्रेजी। देयर आर लॉट ऑफ अर्लीज हियर एंड ओवर हियर। इट्स अ मैवरिक, वी आर गोना बी राइडिंग दिस। वाह लुक एट दिस, क्या पिकअप है देख रहे हो? Z900, दैट्स माय थिंग। Z900 हम लोग ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। वाओ अभी अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा डेलाइट निकलना चालू हुआ है एंड लुक हाउ पिंक एंड ऑरेंज रेडिश, पता नहीं क्या कलर है ये। हेलो और नमस्ते सभी, हे हेलो और नमस्ते सभी को, मेरा नाम है प्रतीक, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में वी आर गोइंग ऑन अ राइड। राइड के बारे में आगे बताऊंगा, वी आर रनिंग वेरी लेट, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 बजने को है ऑलमोस्ट, हमें निकलना है यहाँ से क्योंकि 6 बजे का राइड ब्रीफिंग है, वो सब आगे चलते चलते बताएंगे, जल्दी चलो। भाई साहब आज पहली बार इतने सुबह उठा भी हूँ प्लस इसे कहीं जा भी हूँ। ओह माय डॉग्स, सुबह के बज रहे हैं 5:15 एफ यू कैन सी, अब दिख रहा होगा 5:15। वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम हियर। ओम नमः शिवाय। ओके वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नाइस रोड। नाइस रोड से टोल कटवाकर सीधा निकलेंगे नागरबावी। नागरबावी से वी विल कंटिन्यू आवर राइड। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो रखा है, थोड़ी ही देर में उजाला उजाला भी हो जाएगा। अपने धूल बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मैं वाइजर खुला हुआ है मेरा, क्योंकि वाइजर मेरा डार्क टिंट है, तो अगर मैं अंधेरे में वाइजर लगा के चलाऊँगा तो किसी गाड़ी के पीछे चिपक जाऊँगा। उसके रहा Here we take off from nice road. Nice, pretty nice. Okay, so boys, मैं तुम लोगों को ride के बारे में बताना भूल गया। So I'm going to an Independence Day ride. So ये मेरे life का पहला ऐसा ride होगा जो मैं Independence Day पे कर रहा हूँ। मतलब I have never been to any Independence Day ride ever before. तो ये अपना पहला है। I am totally and clearly excited. मज़ा आएगा। अंधेरा अंधेरा हो रखा है पूरा, अभी तक डे लाइट बाहर आया नहीं है, तो होपफुली अभी आधे एक घंटे में आ जाएगा वो सूरज बाहर। विल स्टार्ट द राइड फ्रॉम नागरबावी। मैं बस अभी नागरबावी जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पे बस यू नो एक मीटअप पॉइंट है वहाँ पे जाके बस आई हैव टू बी प्रेजेंट, बस वहाँ से फिर विल स्टार्ट द राइड एंड क्रेजी क्रेजी चीज़ें दिखाएंगे आपको। ठीक है बॉयज। ओह माय डॉग्स, वाओ अभी अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा डेलाइट निकलना चालू हुआ है एंड लुक हाउ पिंक एंड ऑरेंज रेडिश, पता नहीं क्या कलर है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई कसम से। वाह ब्यूटीफुल। ऑलराइट ब्यूटीफुल वेदर। उतर रहे हैं यहाँ से फ्रॉम द नाइस रोड। मैं तो राइड का आधा मजा यहीं पे आ गया। There are a lot of Arlis here and over here. It's a maverick. We are going to be riding this. आज की सवारी हमारी यही है। So we got a bike. This is the bike. अच्छी बाइक है पर। So the lineup is getting ready. We're going to be riding this Maverick 440 and we have lot of other bikes. Some of our Harley Davidson 440 and some of other Maverick. सामने से flag off होगा। We're going to be इन द लास्ट, क्योंकि हम लोग वो है क्या कहते हैं उसको, स्वीप। आई बी द स्वीप गए जो लास्ट में रहेगा। आई बी टेल गेटिंग एवरीवन। मैं सबको देखूंगा, कोई पीछे रह तो नहीं गया कहीं। सबको देखना है कि पीछे रह तो नहीं गया कहीं, मैं ही रह गया तो। कम सिट। हाँ आई नो। ओह माय गॉड की आंख भाई, क्या मजा तो आ रहा है लेकिन आई एम जस्ट नर्वस। सी बैंगलोर में राइडिंग ए बाइक, टैटू, गोइंग फॉर अ राइड, ये सब मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा नया हो गया एक बार में, बट स्टिल वी गोना डू समथिंग, कुछ तो क्रेजी करेंगे आज। हमारा जो ग्रुप का लीडर है वो आगे जा रहा है, हम लोग लास्ट में रहेंगे। वी विल जस्ट टेल द ग्रुप, मतलब पीछे पीछे रहना है,
सबको टेक केयर करके लेके जाना है। ओके, द राइड का डिटेल कुछ ऐसा है कि वी आर राइडिंग फॉर 260 किलोमीटर इन टोटल अप एंड डाउन। हम लोग ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश जा रहे हैं टू लिपाक्षी, दैट्स सम प्लेस। मैं आज तक कभी गया नहीं वहाँ पे, मैं आज तक मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो इट इज़ टोटली अ वेरी 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 न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मुझे सही बता रहा हूँ, मैं ना ही कभी बैंगलोर में राइड गया, ना ही कभी मुझे यू नो इतने सारे बाइकर्स के साथ मैं कभी राइड पे गया इससे पहले ज़िंदगी में। बैंगलोर में गया मैं तो कभी लाइफ में, अपने घर पे भी नहीं गया। तो ये मेरा पहला ऑफिशियल यू नो वो है, राइड है। वाओ मैन वाओ, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस। एंड टेलिंग अबाउट दिस बाइक, दिस इज मैवरिक 440। अच्छी बाइक है, बहुत ही ऐसा कंफर्टेबल बाइक है, कोई ऐसा मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा इसको चलाने में। बाइक इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। गाइड दादा कहाँ घुसे जा रहे हो? वाओ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बॉयज एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, भाइयों बहनों, वी आर हियर इन दिस ट्रैफिक एंड यहाँ पे हम लोग अभी सो वी आर इन यशवंतपुर साइड। यहाँ से अपने को अभी राइट लेना है, फिर ऐसे जाते जाते बहुत दूर है रे। प्लानिंग कुछ ऐसा है कि पहले यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा सा कहीं पे। ब्रेकफास्ट के बाद और 3 या 4 लोग शायद जुड़ने वाले हैं। This way? You're supposed to be on the service road. Okay. Jio mere lal. Wow. Look at this. Yeah, pickup hai, dekh rahe ho? Z900. Lot of bikers are here for the ride. Apart from our group, there are more group. मतलब और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग यू नो सुपर बाइक्स लेकर आए हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज के बाइक लेकर आए हैं। ओके, थोड़ा भगाते हैं। Damn, भाई साहब, जस्ट लुक एट द लाइन ऑफ बॉयज, है ना, एकदम खतरनाक। दैट्स समथिंग माई थिंग, Z900. आई नेवर बीन टू अ फुल फ्लेज्ड राइड ऐसा पूरा ग्रुप के साथ, सेटअप के साथ, लोगों के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ। ओ देखो सेक्सी, जीटी, यहाँ पे जीटी है क्या? देखो यहाँ एक जीटी, वहाँ एक पोर्श 911। क्रेजी भाई, क्रेजी। लुक एट द लाइनअप भाई, क्या तगड़ा है। उधर देखो एक CBR भी रखा है भाई, वाह। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया, यहाँ से ब्रेक लेके अभी वी विल हिट द रोड्स अगेन। उधर देखो मस्त वो पहाड़ देखो कैसा है, बादल के अंदर घुस गया है। How beautiful is it? Oh my God! I'm loving it. बहुत खत्म, I'm loving it. Yes! हमने तुम लोगों को एक पहाड़ वाला दिख रहा होगा, पहाड़। I don't think कि कैमरे पे इतना अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन मेरी आंखों से जो दिख रहा है, it is totally next to another level. Nice. Guys, I'm blessed. I must say that I'm blessed. Om Namah Shivaya. रास्ता देख रहे हो दोस्तों, इधर भी चारों तरफ फुल ऑन ब्यूटीफुल। ये आदियोगी वाला रास्ता है। आई होप यू गाइज रिमेम्बर व्हेन वी केम टू आदियोगी।
So this is the same route. Just look at the view from here. Wow, wonderful, zabardast. All right, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके छोटा सा एक क्या कहते हैं कमर सीधा करने के लिए. एंड वी आर हियर एट बागेपल्ली टोल प्लाजा. थोड़ा सा रेस्ट करके देन वी विल लीव फ्रॉम हियर. वो क्या ब्यूटी है देखो. सी दिस इज व्हाट आई वांटेड बॉस. फुल इंडिपेंडेंस डे राइड सॉर्टेड. वाओ क्या ग्रीनरी. फुल लश ग्रीन चारों तरफ. ऊपर देखो ना टेंपल का एंट्री किधर है भैया. इधर से ही है. टिकट अभी आगे गया ना पूरा ग्रुप. ये जो तुम्हें आगे दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश है. वो देखो वहाँ पे एक बोर्ड भी है छोटा सा. गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे. अभी खतरनाक बहुत नेक्स्ट लेवल गर्मी है. यहाँ पर कुछ लिखा है विद्या भारत टेम्पल. स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना वो क्या लिखा था उसको. मैंने भी नहीं पढ़ा. वाह वी आर इनसाइड द टेम्पल. काफ़ी बड़ा है और गर्म मेरे तरफ. एक चीज़ देखो यहाँ पे सब कुछ पत्थर से बना हुआ है ना. मेरी आवाज़ तुम लोगों को आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ पत्थर से बना हुआ है. देखो कैन यू होल्ड इट फॉर अ सेकंड. देख हेलमेट. जस्ट टेक ए गुड शॉट. फील आ रहा अंदर से. और पूरा का पूरा मंदिर देखो पत्थर से क्राफ्टेड है. मतलब पत्थर काट काट के बनाया गया है. इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 7-8 दिन से ज़्यादा लगेंगे एक एक चीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए. सभी स्कल्पचर्स में कुछ कुछ स्टोरी है. ओके तो ओवरऑल इस राइड का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत तगड़ा था. मैं पहली बार किसी ऑफिशियल राइड पे गया जहाँ पे बहुत सारे राइडर्स लोग आए थे. बहुत सारे नए लोगों से मैं मिला. तो ये राइड का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था. आई होप कि ये वाला एपिसोड देखे तुम लोगों को मजा आएगा. आज के एपिसोड के लिए इतना ही था. मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में. तब तक के लिए लिव योर लाइफ लव इट साइज. पीस आउट. सभी स्कल्पचर्स में डिजाइन जो बना सभी स्कल्पचर्स में कुछ कुछ स्टोरी है.